दोस्तों, अगर आपने मेरा राशन 2.0 ऐप से अपने राशन कार्ड में कुछ भी अपडेट किया है और अपडेट अभी तक हुआ नहीं है, पेंडिंग में चला गया है, काफ़ी टाइम से पेंडिंग दिखा रहा है, तो कैसे दोस्तों आप उसे एक्सेप्ट कराएंगे, अप्रूव कराएंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सही सुना दोस्तों आपने, अगर आपने अपने राशन कार्ड में कुछ भी अपडेट करवाया, जैसे कि नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर या फिर नया मेंबर को आपने ऐड किया है राशन कार्ड में, लेकिन अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है, तो उसे दोस्तों आप तुरंत के तुरंत जो है एक्सेप्ट करवा सकते हैं, अप्रूव करवा सकते हैं। तो कैसे करना होगा, चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने मेरा राशन 2.0 ऐप से अपने राशन कार्ड में कुछ भी अपडेट किया है या फिर नए मेंबर को ऐड किया है, काफ़ी टाइम से पेंडिंग हो गया है और एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ना अप्रूव हो रहा है, तो कैसे दोस्तों आप उसे अप्रूव करवाएंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में मेरा राशन 2.0 ऐप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, या फिर अगर पहले से ही डाउनलोड है तो इससे आपको यहाँ पर आके अपडेट कर लेना है। ठीक है, अगर अपडेट आया रहेगा तो इससे आपको अपडेट करना है, उसके बाद इसे ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको सामने जो है इंटरफेस आ जाएगा, आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा वेट करना है और अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहां पर गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए आप अपना जो आधार नंबर है उसे यहाँ पर टाइप करेंगे और ये जो कैप्चा कोड है इसे यहाँ पर डालेंगे, लॉगिन विथ ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देंगे, जिसके बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी आप यहाँ पर टाइप करेंगे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर लेंगे, जिसके बाद आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा, आप इसे ओके कर देंगे। अब आपको यहाँ पर एम पिन क्रिएट करना है, तो क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब जो भी दोस्तों आप एम पिन रखना चाहते हैं, ठीक है, उसे आपको यहाँ पर इस तरह से अपना टाइप करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। वापस से दोस्तों आपको यहाँ पर अपना जो एम पिन है उसे टाइप करके कंफर्म करना है, उसके बाद क्रिएट एम पिन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका जो एम पिन है ये सेव हो जाएगा। अब आप इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों आप इस ऐप के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। आपको यहाँ पर परमिशन दे देना है, इसे आपको यहाँ पर स्किप कर देना है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अपने राशन कार्ड के अंदर कुछ भी करेक्शन किया है या फिर नए मेंबर को ऐड किया है और वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, तो कैसे आप उसे एक्सेप्ट कराएंगे, ठीक है, ताकि जल्द से जल्द आपका जो राशन कार्ड है वो अपडेट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो तीन लाइन दिया है ना इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको हिस्ट्री देखने को मिलेगा, तो हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जिसके बाद दोस्तों आपने अपने राशन कार्ड में जो भी अपडेट किया होगा या फिर नए मेंबर को ऐड किया होगा, मोबाइल नंबर को लिंक किया होगा, वो सब दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और सभी के आगे आप देखोगे तो यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है कि मतलब कि अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर जिसके लिए भी दोस्तों आप रिक्वेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, कि हाँ इसके लिए आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि जल्द से जल्द ये एक्सेप्ट हो जाए या फिर अप्रूव हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर व्यू के ऊपर क्लिक करके उसका एक स्क्रीनशॉट लेना होगा। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ का भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर करना क्या, सबसे पहले यही करना है, आपको ये जो पेंडिंग दिखा रहा है इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से बैक करना है। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है माय ग्रीवेंस, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर देखने को मिलेगा ऐड ए न्यू ग्रीवेंस, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। इस तरह से दोस्तों आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा। अब सबसे पहले यहां पर सेलेक्ट कैटेगरी आता है, तो आपको सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। यहां पर कई ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको यहां पर सेलेक्ट करना है राशन कार्ड नॉट अपडेटेड। ठीक है, आपने अपने राशन कार्ड में अपडेट किया लेकिन अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर डिस्क्रिप्शन मांगा जाता है, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको यह बताना है कि आपने अपने राशन कार्ड में नए मेंबर को ऐड किया था और इतना दिन हो गया है अभी तक मेंबर ऐड नहीं हुआ है, या फिर अगर आपने कोई सुधार किया था तो उस सुधार के बारे में बताएंगे कि हाँ हमने अपने राशन कार्ड में यह करेक्शन किया था और काफी टाइम हो गया है और करेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि 3 से 4 हफ्ते हो जाए तभी दोस्तों आपको यह काम करना है, 3 से 4 हफ्ते आपको इंतजार करना है सबसे पहले। तो
तो यहाँ पर दोस्तों आप पूरा का पूरा टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर बोला जाता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना क्या है, वही जो स्क्रीनशॉट मैंने आपको बोला ना पेंडिंग का, एक आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। वही स्क्रीनशॉट दोस्तों आप यहाँ पर जो है अपलोड कर देंगे ताकि उन्हें ये पता चले कि हाँ आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस स्क्रीनशॉट को देख करके ये समझ जाएंगे कि हाँ ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, तो उसे आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर इसे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको जो है एक हफ्ते तक इंतजार करना है। उसके बाद आप देखेंगे आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया जाएगा, यानी जो पेंडिंग है उसे एक्सेप्ट कर दिया जाएगा, या फिर अगर डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक वगैरह रहेगा तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी दोनों में से कोई एक जो है पक्का हो जाएगा। समझ गए? तो इसी प्रकार से अगर काफी टाइम से दोस्तों आपका जो है पेंडिंग जा रहा है, आपने अपने राशन कार्ड में अपडेट करवाया है या फिर नए मेंबर को ऐड किया है, तो यहां पर आकर दोस्तों उसे एक्सेप्ट या फिर अप्रूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।